अमरीकी सफीर ने भी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आज एक बार फिर की है। सो कीप इन माइंड फैटफ की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। ये बिल्कुल डूमोर का प्यो है। ये डूमोर कुछ भी नहीं था जो अब होगा डूमोर। उसकी वजह यह है कि अब हमारी हालात इतने ख़राब हैं कि छोटा सा भी डूमोर हमें बड़ा तकलीफ दे। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कंप्लीटली बैंकरप्ट है। IMF आके बैठ गया ऊपर। Threatened mob rule and deeply damaged Pakistan's international reputation. सिटी साहब, ये जो हम सुन रहे हैं बातें, इसे अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा होगा? परेशान होंगे और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है जितने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस मुल्क में हो रहे हैं, कम ही मुल्कों में हो रहे हैं, इंडिया में भी बहुत हो रहे हैं, मगर हमारे यहाँ भी अब बहुत होने शुरू हो गए हैं और हमारे ऊपर बहुत सख्त दबाव है। इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो मॉनिटर कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का जो इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में रिलीजियस इश्यूज़ हैं और मीडिया इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, कन्वर्जन के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें औरतों के इश्यूज़ हैं, ये बड़ी अब एम्बेसडर साहब ने बड़े वाजे कर दिया है जो आने वाले हैं कि उनका क्या एजेंडा होगा यहाँ। और मेरा ख्याल है ये पेमरा को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर नोटिस जो है पहुंचेगा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमें नोटिस आएंगे, और वो एक और नॉच लग जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसी तरीके के साथ और भी जो पाबंदियां लगी हुई हैं माइनॉरिटीज़ की और दूसरों की, वो सारे नॉचेस लगेंगे और ये बिल्कुल एक स्क्रू होगा, जैसे FATF है ये भी एक नया स्क्रू होगा। इसके अंदर एम्बेसडर साहब ने और भी बड़ी अहम बातें की है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान में परवरिश ले रही हैं उनके बारे में, या पहले ली उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अगर है आपके पास तो आप सुना सकते हैं। जी, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को पे दबाव डालेंगे कि वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां करें क्योंकि खिता किसी तनाजे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सेठी साहब, और वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में भी कहते हैं कि दोनों ममालिक ने खुद उन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। और अफगानिस्तान के मामले में भी वो ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दों की आमाजगा अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे एक्सट्रीमिस्ट की। ये सब डूमोर के तौर पर देखा जाए पाकिस्तान के लिए? ये बिल्कुल डूमोर का प्यो है। ये डूमोर कुछ भी नहीं था जो अब होगा डूमोर। उसकी वजह यह है कि अब हमारी हालात इतने ख़राब हैं कि छोटा सा भी डूमोर हमें बड़ा तकलीफ दे। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कंप्लीटली बैंकरप्ट है। IMF आके बैठ गया ऊपर, FATF ऊपर बैठा हुआ है। अब ये कानून जो कि सेनेट के अंदर अभी पास हो रहा है तो जो कि टारगेट करेगा लोगों को यहाँ, और अगर डिसअपेरेंसेस होंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अब बात यह है ये सब कुछ हैज़ टू स्टॉप। हम एक जमहूरियत रियासत है और हमें जमहूरियत रियासत के जो असर जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये रिप्रेशन, ये फासिज्म बंद होनी पड़ेगी और ये सारे इदारे जो ये करते हैं उनको अब टारगेट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इतने लोगों की आपने आपने इतनी रिप्रेशन की है कि सब जो है वो लिस्से बना रहे होंगे इस वक्त कि कौन कौन सा हेड है किस किस डिपार्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर जो इस क्राइम के अंदर मुलव्वस रहा है, ऑफ रिप्रेसिंग द मीडिया, रिप्रेसिंग माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस फ्रीडम्स एंड सो ऑन। आज उन्होंने लश्कर का नाम लिया है, कल उन्होंने किसी और का नाम भी वो ले लेंगे। और इसलिए ये सब कुछ अब देखना पड़ेगा रियासत के इदारों को भी और हुकूमतों को भी कि अगर जमहूरी रियासत बनानी है और अमेरिका और वेस्ट के साथ रीसेट करने हैं तल्लकात, तो ये उनके लिए इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरीके के साथ अफगानिस्तान के अंदर जो वहाँ ग्रुप्स हैं, अगर उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर काम करना है तो वो सिर्फ आपके खिलाफ नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्यूनिटी के भी खिलाफ हैं। तो ये सारे इशूज़ अब आगे आएंगे। ये फ्री मनी कोई नहीं, फ्री लंच अब कोई नहीं मिलना, अब कोई कोलिशन नहीं है जिसका सपोर्ट फंड मिलने हैं आपको। सो बी केयरफुल, फंड्स ये पैगाम है अमेरिका का। सिटी साहब, फंड्स नहीं मिलने ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अलकायदा, दाइश और TTP के खिलाफ काम करेंगे। इसका मतलब है कि वो इतिहादी का दर्जा, वो जो पहले बेरुखी शुरू हुई थी, इतिहादी का दर्जा खत्म कर दिया गया था, वो दोबारा से उसी तरफ हम जाएंगे तो फंड्स कैसे नहीं मिलेंगे? सिटी साहब, नहीं आयशा, उसकी वजह यह है कि तालिबान आपको किसी जो वहाँ जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देंगे। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है कि आपने अगर TTP के साथ कुछ करना है तो हमारे यहाँ आके ना हमें ना कुछ कहें, उनके साथ अलग बात करें। और इसी तरीके के साथ तालिबान खुद अंडर थ्रेट है फ्रॉम सम ऑफ दीज ग्रुप्स। अगर पाकिस्तान अमेरिका इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्ट करता है और तालिबान कहते हैं मत करें बिकॉज हमारे यहाँ बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो ये इसलिए ये अभी ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है। तालिबान कह रहे हैं रिकग्नाइज करें हमें, आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं रिकग्नाइज कर पा रहे?
इसीलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए, उनकी शर्त है और वो उनकी शरायत है, और तालिबान अभी तैयार नहीं है। और अभी तालिबान की तरफ से भी, अभी आप देखें वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं हकानी नेटवर्क के बारे में, कि उन्होंने क्या क्या रोल अदा किया है और उनके क्या तल्लुकात रहे हैं TTP के साथ, तो ये सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ होंगे वाशिंगटन में, तो बहुत सा सख्त प्रेशर आएगा आपके ऊपर। इसलिए आप अपना रास्ते जो है ना वो ज़रा देख लें, कौन सी सिविलियन गवर्नमेंट उनके साथ डील कर सकती है। एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट डील नहीं करना चाहेगी, सिविलियन गवर्नमेंट को आगे करेगी। कौन सी सिविलियन गवर्नमेंट है जो कि अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और सऊदी अरेबिया और UAE, ये सारा जो ब्लॉक है, कौन लीडर है या कौन सी सियासी जमात है जो इनके साथ डील कर सकती है और उस दूसरी तरफ आवाम को भी खुश रख सकती है? क्योंकि जब आप इनके साथ डील करने जाएंगे तो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, जैसे इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, तो आप कौन बात करेगा इंडिया के साथ? कौन एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान के अंदर, कौन जाके अमेरिका के साथ बात करेगा? तो ये बातें अब आगे आने वाली हैं, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को कि किस किस्म का सिस्टम चाहिए, किस किस्म के लीडर्स चाहिए जिन्होंने आवाम को अब सही रास्ते पे लेके आना है और आगे जो मुश्किलात हैं उनके हल करने हैं उनको। मोहित यूसुफ साहब, अमरीकी सफीर ने भी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आज एक बार फिर की है। सो कीप इन माइंड फैटफ की तलवार हमारे सर पे लटक रही है, हम उधर गए नहीं है, वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का फिर जिक्र कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान में भी इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां करने का कहा गया था। सो लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का भी क्या स्टेटस है? ये मेरे ख्याल में जब से मेरी याददाश्त जहां तक वापस जाती तब से यही सुनता जा रहा हूँ, कभी कोई नाम, कभी कोई नाम, कभी कोई नाम। तो ठीक है, वो कह रहे हैं जो कह रहे हैं यहाँ, अगर वो कहीं मुझे तो अब नजर नहीं आ रहे कौन सा ग्रुप क्या, वो एक वक्त था जब ये बात होती थी, को कॉन्टेक्स्ट था। अभी उनको भी चाहिए कि थोड़े टॉकिंग पॉइंट्स अपडेट कर लें, या मतलब 10-20 साल तो पुराने हो गए टॉकिंग पॉइंट। बहरहाल देखें, हमारा तो कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है कि कोई भी यहाँ पे वायलेंस किसी किस्म की, या कोई ऐसा गिरोह जो रियासत को चैलेंज करे या पाकिस्तान की सरजमीन को गलत तरह इस्तेमाल करे, उस पर हम कमिटेड हैं और वो हम उस पर कमिटेड रहेंगे। बाकी ये वो इंडिया का एक टॉकिंग पॉइंट है, वो हर दफा आ जाता है, कभी एक एंगल से कभी दूसरे से, तो ठीक है वो कहते हैं। नहीं नहीं, मगर सर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, वो एम वी तो चीज़ें रिपीट करना आप कह रहे हैं, आई मीन ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, बिकॉज एक हम लोग अपने ऑप्टिक्स के अंदर भी तो मार खाते हैं। तासुर ये है कि जब साबिक DGISI काबुल का दौरा करेंगे तो फिर दुनिया क्यों आप पर एतमाद करेगी, सवाल उठाएगी, एंड वी डोंट लाइक दोज क्वेश्चन, बट देन यू गिव देम अ चांस टू आस्क दोज क्वेश्चन। साथ ही सोशल मीडिया पर भी फॉल ऑफ काबुल के बाद जो कुछ पोस्ट हुआ है वो तो दुनिया ने देख लिया है। सो अफगानिस्तान को लेकर अमरीका और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर आज भी एतमाद करने को तैयार नहीं है, एंड दे ब्रिंगिंग अप सेम पॉइंट्स अगेन। नहीं, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। एक पाकिस्तान का इंटेलिजेंस चीफ अफगानिस्तान जाता है क्योंकि 1600 मील का बॉर्डर है और बॉर्डर से खदशा है कि वहां से दहशतगर्द आएंगे, जब वहां बिल्कुल सिचुएशन फ्लक्स में थी, कंट्रोल नहीं था, एक सेमी एनआरकी टाइप का एक कंसर्न था। तो हर दुनिया का इंटेलिजेंस चीफ क्या, तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव क्या, वो तो तालिबान से एंगेज है, वो तो दोहा में बैठ के वहां पे रोज सुबह शाम 6-8-10 महीने साल पूरा वहां लगे रहे। तो मेरा हमसाया है, अगर हमें कोई कंसर्न है, अगर हमें कोई ऐसी इश्यूज है जो उनसे बात करनी है, तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ वहां जाके बात नहीं कर सकता? मुझे ये लॉजिक ही नहीं कभी समझ आया। अगर हमारे ये बेनिफिट में है कि चाहे मैं जाऊं, चाहे DGISI जाए, चाहे कोई और जाए, ताकि पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट किया जाए, वजीर दिफा भी जा सकते थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी, बट आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल, CIA चीफ से मुलाकात हो सकती है तो ये भी ठीक है।